दोस्तों नमस्कार, मैं केसी बैरवा, आरजी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से वेलकम इन लेक्चर। आज का अपना जो सब्जेक्ट है वो आरएसी है ME 301, और जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। अपन रेफ्रिजरेशन के मेथड्स की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के जो रेफ्रिजरेशन मेथड्स काम में लिए जाते हैं, इनमें फर्स्ट जो आप देखते हैं वो आइस या ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन मेथड है, और दूसरा ऑपरेटिव रेफ्रिजरेशन मेथड है, तीसरा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, और चौथा वेपर एब्जॉर्बेशन सिस्टम है, और पांचवा थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, और छठा स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, और सातवा है लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इस तरह से अपने पास में डिफरेंट रेफ्रिजरेशन मेथड हैं जो आज के युग में या पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, जिनको काम में लेते हैं। सो अपन ने सीक्वेंस वाइज अपन स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है और वेपर एब्जॉर्बेशन सिस्टम में जो रेफ्रिजरेशन के मेथड्स हैं, इनको अपन डिटेल स्टडी आगे करेंगे। इस वजह से प्रेजेंट में अपन इनकी स्टडी नहीं करेंगे। सो अपन जो प्रेजेंट में स्टडी करेंगे वो है आइस और या ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन मेथड, दूसरा है ऑपरेटिव रेफ्रिजरेशन मेथड, तीसरा है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन मेथड, और चौथा स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन मेथड, और पांचवा है लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन मेथड। इन मेथड्स की अपनी स्टडी प्रेजेंट इस टॉपिक में कवर करेंगे। आइस की बात करते हैं तो अपने सिंपल आइस की बात करते हैं तो ये जो सिंपल आइस का जो रेफ्रिजरेशन मेथड है ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है और प्रेजेंट में भी यूज किया जाता है। पुराने ज़माने में जहाँ मैन मेड आइस नहीं हुआ करती थी, उस ज़माने में नेचुरल मेड आइस यानी प्रकृति द्वारा जो बनाई हुई बर्फ को काम लिया जाता था, जो पहाड़ों पे या आपके पास में क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण तैयार होती थी, और उस आइस को लाकर एक इंसुलेटेड जो बर्तन थे तो उनमें रख लिया जाता था, और उसके बीच में जो आर्टिकल रिक्वायरमेंट थी, जिस आर्टिकल को फ्रीज करना होता था या जिसको आपके पास में रेफ्रिजरेशन करना था, कूल करना था, उस आर्टिकल को रख लिया जाता था। सो ये जो आइस का मेथड है, सिंपल आइस का जो मेथड है, ये पुराने ज़माने से चला रहा है, लेकिन अभी जब भी आपके पास में इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई तो इसको इंडस्ट्री में बनाना शुरू कर दिया, और ये इंडस्ट्री में जो आइस बनती है उसको प्रेजेंट में एज ए आपके पास में टेम्परेरी रेफ्रिजरेशन के रूप में काम लिया जाता है, जिसमें आपने देखा होगा कि कुल्फी बनाने वाले हैं, आइसक्रीम बेचने वाले हैं, या शादी ब्याह में आपने पास में जहाँ आइसक्रीम को 4-5 घंटे तक आइस को 4-5 घंटे तक फ्रीज करना होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है सिंपल आइस अपन काम में लेते हैं, जिसका उपयोग आपने कई जगह देखा होगा। सो आइस देखिए, आपने कुल्फी बनाने वाले को देखा होगा, वहाँ दूध से कुल्फी बनाता है, तो दूध से कुल्फी बनाना और उसको बनाकर मेंटेन रखना, यही आपके पास में रेफ्रिजरेशन कहलाता है। सो ऐसी सिचुएशन में आपके पास में सिंपल आइस यूज करते हैं, और सिंपल आइस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, या आप ये कह सकते हैं कि सिंपल आइस को वहाँ यूज नहीं कर सकते जहाँ आपके पास में किसी जो पदार्थ है जिसको आपको रेफ्रिजरेशन करना है उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जहाँ आपके पास में आइस होती आती है, क्योंकि आइस जिस वाटर से बनती है उसको यदि आपने बैक्टीरिया फ्री नहीं किया है तो जिस आर्टिकल के साथ आप आइस को रखोगे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा, उस आर्टिकल का भी वो खराब कर देगी, जिस पदार्थ को खराब करने की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से जहाँ आपके पास में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जो सब पदार्थ को रेफ्रिजरेशन करना है वहाँ अपन सिंपल आइस को यूज जनरली अपन नहीं करते हैं। सो इस तरह से जो आइस है इसका रेफ्रिजरेशन मेथड आपको पता ही है, हर जानते ही हैं, हर जगह यूज किया जाता है, लेकिन जहाँ आपके पास में दूसरा जो ड्राई आइस मेथड है वो आइस की तुलना की बात करते हैं, दूसरी बात यह है कि सिंपल आइस जो है उसकी जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है वो -40 डिग्री से अपन नीचे इस टाइम जो है नीचे है वो अपने इस सिंपल आइस से कूल नहीं कर सकते। सो दो कंडीशन है कि आपके पास में एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वाली कंडीशन है, एक पदार्थ है जहाँ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है वहाँ पर सिंपल आइस को यूज नहीं कर सकते, दूसरी बात यह है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अपने कूलिंग नहीं कर सकते। सो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करते हैं कि सिंपल आइस की जगह ड्राई आइस काम में लाते हैं। ड्राई आइस की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो बिलो -70 डिग्री तक इससे कूल कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ड्राई आइस हमेशा आपके पास में बैक्टीरिया फ्री होती है, तो इस वजह से ऐसे आर्टिकल जो जिनको डायरेक्ट कूल करना होता है, जो आपके पास में आइस के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं, अपन इसके थ्रू कूल कर सकते हैं। अब देखिए ड्राई आइस क्या होती है, ड्राई आइस सिंपल सी बात है, ड्राई आइस एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म है, उसको ड्राई आइस कहते हैं। और ड्राई आइस
क्या होता है कि ये एक ऐसे प्रोसेस में है, यानी सीधी लिक्विड से सॉरी सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होती है, यानी सब्लिमेशन प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि ये जब आपके पास में इसमें जो हीट होती है वो लेटेंट हीट ऑफ ए वेपराइजेशन होती है, यानी उसकी गुप्त उसमें होती है, और ये ज़्यादा होने के कारण इसकी कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सो दो रीज़न है इसके, एक तो ज़्यादा -70 से नीचे डिग्री टेम्परेचर तक कूल कर सकती है, दूसरी कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण जनरली ये क्या किया जाता है कि जहाँ आपके पास में एयर ट्रांसपोर्टेशन करना है या ऐसे पदार्थ हैं जिनको -70 से नीचे कूल करना है, वहाँ अपन ड्राई आइस को काम में लाते हैं। सो ये जो जनरली मेथड है ड्राई आइस का, जो मेथड है यूनिवर्सली एयर ट्रांसपोर्टेशन में काम लिया जाता है, और एयर ट्रांसपोर्टेशन में इस वजह से काम लिया जाता है कि जहाँ आपके पास में इसका कम वेट भी आपके पास में उस आर्टिकल को लंबे समय तक कूल करके रख सकता है, और जहाँ एयर ट्रांसपोर्टेशन में वेट का एक बहुत बड़ा संबंध होता है कि आपके पास वहाँ मिनिमम वेट होना चाहिए। तो इसको क्या करते हैं कि आपके पास में जो भी आर्टिकल है उस आर्टिकल को आपके पास में इंसुलेट, पहले कार्टून पैक करते हैं, कार्टून के बाद एक इंसुलेटेड जो चैम्बर है जिसको थर्मोकोल से बना होता है उसमें रखते हैं, और उसके ऊपर या साइड में आपके पास में इस ड्राई आइस की एक स्लैब रखी जाती है, और ये जो ड्राई आइस की स्लैब है ये आपके पास में उस आर्टिकल की लेटेंट जो हीट है उसको, हीट को एब्जॉर्ब करके उसको एक लॉन्ग टाइम तक कूल करके रखती है। इस तरह से आपके पास में ये जो ड्राई आइस है ये यूज की जाती है। सो इस तरह से आपके पास में आइस और ड्राई आइस का जो रेफ्रिजरेशन मेथड है वो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो अपना मेथड है रेफ्रिजरेशन का वो है इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन। इस इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि आपके पास में जहाँ वाटर जो है आपके पास में किसी सरफेस के कॉन्टेक्ट में आता है, और सरफेस के कॉन्टेक्ट में आने पर क्या होता है कि ये खुद लेटेंट हीट जो वाटर की है वो लीक कर इवेपोरेट हो जाता है, और जहाँ से ये हीट पिकअप करता है वो सरफेस आपकी कूल हो जाती है। कि यानी आपके पास में जहाँ से भी ये वाटर इवेपोरेट होगा, वो वाटर जब इवेपोरेट होगा तो ये हीट पिकअप करेगा, और हीट पिकअप करने के कारण जहाँ से ये इवेपोरेट होगा वो सरफेस कूल हो जाएगी। सो ऐसी सिचुएशन में आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में आपने जो वाटर के पानी रखने के जो पोर्ट हुआ करते थे, मिट्टी के पोर्ट हुआ करते थे, वो पोर्ट कुछ टाइम वो पोर्ट क्या करते थे, ऊपर से वेटेड हुआ करते थे, गीले हुआ करते थे, और वहाँ से वो वाटर इवेपोरेट होता रहता था, और उस वाटर इवेपोरेट होने के कारण आपके पास में वो जो पोर्ट मिट्टी का बर्तन हुआ करता था उसमें वाटर ठंडा रहता था। सो वहाँ पर अगेन जो वाटर वहाँ से इवेपोरेट होता था पोरोसिटी के कारण, उसके अंदर से वाटर अगेन आपको उसकी सरफेस पर आता था, और सरफेस पर आने के कारण अगेन वो वाटर इवेपोरेट होता था। तो उस इवेपोरेटिंग प्रोसेस के कारण लगातार जो मिट्टी का बर्तन हुआ करता था उसमें वाटर आपके पास में ठंडा हुआ रहा करता था रहता था। सो प्रेजेंट टाइम में भी आपके पास में इसी तरह से आपके पास में, यानी कि आपके पास में जहाँ से किसी भी सिस्टम में आपके पास में जहाँ आता है और वहाँ से अपने यदि वाटर को इवेपोरेट करते हैं, सो जो वाटर इवेपोरेट होगा तो आपके पास में वहाँ की जो हीट है उसको पिकअप करके इवेपोरेट होगा और उस स्पेस को कूल कर देगा, और उस स्पेस को यदि अपन एज ए फ्रीजर के रेफ्रिजरेशन के रूप में काम कर लेते हैं तो ये जो मेथड है ये इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा डेजर्ट कूलर में, देखा होगा कि वो डेजर्ट कूलर में क्या करते हैं कि अपन एयर और वाटर को मिक्स करते हैं, और वाटर क्या करता है कि वहाँ से एयर के साथ मिक्स होता है और खुद वाटर इवेपोरेट हो जाता है और एयर को कूल कर देता है। सो आइदर द आपके पास में पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तनों की कूलिंग हो, या आज के ज़माने में डेजर्ट कूलर में है आपके पास में एयर की कूलिंग हो, ये दोनों ही जो कूलिंग होती है ये इवेपोरेटिंग कूलिंग के इवेपोरेटिंग वाटर के इवेपोरेशन के कारण होती है, और इसको ही अपन इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन कहते हैं। सो ऐसे सिस्टम जहाँ आपके आने के कारण आपके पास में इस तरह से किसी दूसरे लिक्विड के कारण यदि किसी चीज़ को किसी दूसरे लिक्विड जिसका इवेपोरेटिव टेम्परेचर कम होता है, सो जैसे आपने देखा होगा कि आप यदि आपके पास में परफ्यूम होता है या उसको आप हाथ पर स्प्रे कर हैंड पर स्प्रे करते हैं, तो वो जब स्प्रे करते हैं लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही आपके पास में आपकी सरफेस पर कॉन्टैक्ट में आता है वहाँ से खुद ही इवेपोरेट हो जाता है, और जिस सरफेस के कॉन्टैक्ट में होता है जहाँ पर होता है वहाँ पर आपको उसको कूल कर देता है। तो इस तरह से आपके पास में जब कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वहाँ से वो हीट पिकअप करता है, और जहाँ से वो हीट पिकअप करता है वो स्पेस कूल हो जाता है। तो इस तरह का जो ये मेथड है ये रेफ्रिजरेशन का आपके पास में ये इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन मेथड कहलाता है, इसको आपको सिंपल सा यहाँ दिखाया गया है।
नेक्स्ट जो रेफ्रिजरेशन मेथड है वो है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन मेथड। ये जो रेफ्रिजरेशन मेथड है ये पिल्टर्स इफेक्ट है उसके रिवर्स में काम करता है। पिल्टर्स इफेक्ट क्या है कि पिल्टर्स इफेक्ट में कहा गया है कि जब दो डिसिमिलर मेटल्स हैं और उनके ज्वाइंट कर दिया जाए, उनके एंड्स को ज्वाइंट कर दिया जाए और उन एंड्स में यदि एक जंक्शन को हीट किया जाए और एक को कूल किया जाए तो उस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। कि यानी डिसिमिलर मेटल्स के जंक्शन को, दो डिसिमिलर मेटल्स के जंक्शन को यदि अपन हीट करते हैं और एक को कूल करते हैं तो उस सर्किट में करंट फ्लो हो जाती है। यदि इसके रिवर्स में देखा जाए कि जब दो डिसिमिलर मेटल्स हैं और उनके एंड्स को ज्वाइंट कर दें और उस सर्किट में करंट फ्लो करें तो एक एंड आपके पास में कूल होगा और एक एंड आपके पास में हीट होगा। सो जो कूल हुआ जंक्शन है उसको अपन रेफ्रिजरेशन मेथड के रूप में काम में ले सकते हैं। यानी उस कूल जंक्शन को यदि अपने किसी स्पेस पर रख दें और वहां पर किसी आर्टिकल को पदार्थ को रखें तो वो पदार्थ वहां से कूल होना शुरू हो जाएगा, यानी वो एंड रेफ्रिजरेशन की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो इस जो रेफ्रिजरेशन मेथड है इसको थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक जो हीटिंग जो सॉरी कूलिंग इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक करंट के कारण जनरेट होता है, इस वजह से इसको थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन मेथड बोलते हैं। इसमें जो दो डिसिमिलर मेटल्स अपने यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकली अपोजिट पोलरिटी की होनी चाहिए, यानी एक में पी मेजोरिटी है तो एक में एन मेजोरिटी। पी मेजोरिटी इन द सेंस है एक में होल ज़्यादा होने चाहिए और एक में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने चाहिए। ये जो मोस्टली मेटल्स होती हैं वो एक एंटीमनी होगी और एक बिस्मिथ होगी। सो इस तरह से आपके पास में, दूसरी बात ये है कि आपके पास में इसकी जो रेफ्रिजरेशन कूलिंग कैपेसिटी है उसको नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ा के और करंट की का जो मैग्नीट्यूड है यानी करंट की क्वांटिटी को इंक्रीज करके अपने इस रेफ्रिजरेशन की कूलिंग कैपेसिटी को अपन इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो रेफ्रिजरेशन मेथड है ये आपके पास में थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन मेथड है। इसका मतलब है इसमें मोस्टली जो मेटल्स अपन दो जो डिसिमिलर मेटल्स हैं वो एंटीमनी और बिस्मिथ अपन लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास में इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक द्वारा अपन रेफ्रिजरेशन कूलिंग कर सकते हैं, जिसमें एक जंक्शन आपके पास में हीट होगा और एक आपके पास में कूल होगा। ये जो रेफ्रिजरेशन मेथड है ये काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन मेथड। इस लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन मेथड की बात करते हैं तो एक सिलेंडर, इसमें क्या किया जाता है कि आपके पास में जो लिक्विड जो गैस होती है उसको जिस सरफेस को कूल करना होता है या जिस चैम्बर को एज ए रेफ्रिजरेशन चैम्बर बनाना होता है उस चैम्बर में यहाँ से लिक्विड जो गैस है उसको स्प्रे किया जाता है। और जब ये गैस स्प्रे होती है तो उस कंडीशन में वहाँ से ये हीट पिकअप करती है और वो चैम्बर एज ए कूल हो जाता है और रेफ्रिजरेशन चैम्बर की तरह काम करता है। तो इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आप देखिए कि यहाँ से आपको दिखाया गया है ये जो आपके पास में क्रायोजेनिक टैंक होता है, क्रायोजेनिक टैंक इन द सेंस है कि आपके पास में जो गैस है वो ब्लो बहुत ज़्यादा लिक्विड स्टेट में होती है और लिक्विड स्टेट में जब किसी गैस को ओपन कर देते हो क्रायोजेनिक टैंक कहलाता है। और इसमें मोस्टली जो अपन गैस काम में लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस को कूल करने के लिए अपन बहुत लो टेम्परेचर जनरेट करते हैं और वो जो टेम्परेचर है वो क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहलाता है। तो यहाँ से लिक्विड स्टेट में इस गैस को इस टैंक में फिलअप कर लिया जाता है और यहाँ से पंप के थ्रू आपके पास में इस जो गैस लिक्विड गैस है उसको इस चैम्बर में स्प्रे किया जाता है और इस चैम्बर में स्प्रे करने के बाद में आपके पास में यहाँ से ये जब हीट पिकअप करेगा और ये जो गैस है इवेपोरेट हो जाएगी और ये चैम्बर आपका कूल हो जाएगा। ये जनरली आपके पास में बहुत लो टेम्परेचर जनरेट करने के लिए काम में लिया जाता है इस तरह का मेथड। सो इसको टेम्परेरी तौर पर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग फूड स्टफ के लिए काम में लाते हैं, यानी आपके पास में जो ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके लिए और वहाँ जहाँ बहुत लो टेम्परेचर जनरेट करना होता है वहाँ अपन इस सिस्टम को काम में लेते हैं। लेकिन ये सिस्टम में आपके पास में पहले इन गैस को लिक्विड करना पड़ता है, तो लिक्विड करने के लिए आपके पास में
जो मेथड है इन गैस को लिक्विडिफाई मेथड है वो आपके पास में कॉस्टली मेथड होता है। इस वजह से ऐसे आर्टिकल्स जो हाईली कॉस्टली होते हैं और इनको बहुत लो टेम्परेचर पे फ्रीज करना होता है या उनका रेफ्रिजरेशन करना होता है, वहीं इस सिस्टम को अपन काम में लेते हैं। सो इसमें पता है कि मोस्टली जो गैस काम में ली जाती है और वो आयदर था नाइट्रोजन और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि सिंपली जो वाटर है आपके पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, लेकिन जैसे ही अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर इसके कर देते हैं तो ये कंप्रेस टेम्परेचर पर भी बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास में लो प्रेशर पर रिड्यूस हो जाता है। अब अपन क्या करते हैं कि इस प्रेशर को जैसे रिड्यूस करते हैं तो ये आपके पास में इवेपोरेट होगा और वहाँ से लेटेंट हीट पिकअप करेगा, और जहाँ से लेटेंट हीट पिकअप करेगा उस स्पेस को क्या कर देगा, कूल कर देगा। तो इस सिस्टम का डायग्राम आपको बताया गया। इस सिस्टम में अपने पास में एक नोजल होता है और एक इजेक्टर होता है। सो उस नोजल में क्या किया जाता है कि नोजल से जब आप वाटर को स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और इस वैक्यूम क्रिएट होने के कारण वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण वो वाटर जो कुछ वाटर है जो कूल हो जाता है और कुछ वाटर इवेपोरेट हो जाता है। जो इवेपोरेट हुए वाटर को आपके पास में एक चैम्बर से अलग कर लिया जाता है, और जो कूल हुए वाटर को एक जो आपके पास में इवेपोरेटर है जहाँ पर आपको किसी आर्टिकल को या पदार्थ को फ्रीज ठंडा करना होता है, कूल करना होता है, उसमें से पास किया जाता है। इस तरह से ये सिस्टम आपके पास में लगातार चलता रहता है। सो आपके पास में अगेन जो इवेपोरेटिव वाटर है उसको फ्लैश चैम्बर से अलग करके उसको कंडेंस कर लिया जाता है, और कंडेंस करने के बाद में अगेन आपके पास में कंप्रेसर के थ्रू उसको नोजल को सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से ये सिस्टम आपके पास में लगातार चलता रहता है। कि इसका इस तरह से देखिए यहाँ से आपके पास में कि ये जो सिस्टम है इसमें आप जो मेनली जो कंपोनेंट है आपके पास में, पहले आपके पास में एक नोजल चाहिए, स्टीम नोजल होगा, इजेक्टर होगा, और इजेक्टर के साथ साथ आपके पास फ्लैश चैम्बर होगा, एक कंप्रेसर होगा, कंडेंसर होगा और इवेपोरेटर होगा। सो जब आप वाटर नोजल को सप्लाई करेंगे तो जब वाटर को नोजल को सप्लाई करते हैं तो उस वाटर का प्रेशर जो है नोजल के एग्जिट पे प्रेशर लो होता है, और प्रेशर लो होने के कारण क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण वाटर लो टेम्परेचर पे इवेपोरेट होगा, और कुछ वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और कुछ वाटर वहाँ का कूल हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर इवेपोरेट होगा वो जो हीट पिकअप करेगा वो उसी वाटर से हीट पिकअप करेगा तो उस वाटर को कूल कर देगा। आगे चलने के बाद में जहाँ दोनों वाटर आपके पास में इवेपोरेटेड वाटर है और विदाउट इवेपोरेटेड वाटर है, दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है। इवेपोरेटेड वाटर है उसको आपको कंप्रेसर के थ्रू कंडेंस में सप्लाई कर दिया जाता है जहाँ कूल कर लिया जाता है, और जो नॉन इवेपोरेटेड कूल वाटर है उसको इवेपोरेटर को सप्लाई कर दिया जाता है ताकि वो इवेपोरेटर में जाकर आपके पास में एज ए रेफ्रिजरेशन का काम करे, और अगेन उसको आपको जो है इजेक्टर को सप्लाई कर दिया जाता है। इस तरह से आपके पास में ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपका चलता रहता है। आगे इसको देखिए डायग्राम में देखते हैं अपन। ये देखिए आपके पास में यहाँ से ये आपका नोजल है, यहाँ से आपके पास में कंप्रेसर के थ्रू कंडेंसर से आया हुआ वाटर को यहाँ से नोजल को सप्लाई किया जाता है, और नोजल को सप्लाई करने पर यहाँ पर जब आप इसको सप्लाई करेंगे तो यहाँ एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, और लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण ये जो वाटर है कुछ वाटर इवेपोरेट होगा और कुछ वाटर आपके पास में नॉन इवेपोरेट होगा। जब ये वाटर इवेपोरेट होगा तो ये जो हीट पिकअप करेगा ये इसी वाटर से हीट पिकअप करेगा। सो ऐसी सिचुएशन में जो इवेपोरेट वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो नॉन इवेपोरेटेड वाटर है वो कूल हो जाएगा, क्योंकि जो हीट पिकअप किए इवेपोरेटेड वाटर ने वो इसी वाटर से हीट पिकअप किए। यहाँ से आगे सप्लाई होने के बाद में आपके पास में ये जो सेपरेटर है यहाँ से जो इवेपोरेट हुए वाटर उसको सेपरेट कर लिया जाता है, और जो कूल हुआ वाटर है उसको नीचे की तरफ सप्लाई कर दिया जाता है इस मीटरिंग वाल्व में। यहाँ से जो मीटरिंग वाल्व से आपके पास में ये वाटर जो इवेपोरेटर में सप्लाई किया जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पर ये कूलिंग जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद में अगेन जो ये हीटेड हुए वाटर को अगेन आपको पास में यहाँ सप्लाई कर दिया जाता है, और जो अगेन जो वाटर इवेपोरेटेड हुआ था उसको कंप्रेसर में, कंप्रेसर के बाद में से कंडेंसर में, और कंडेंसर के बाद में अगेन अपने पास हाई प्रेशर में नोजल में सप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि हाई नोजल को जो इनपुट देंगे वो हाई प्रेशर का इनपुट होना जरूरी है। तो इस तरह से आपके पास में ये जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो आपके पास में काम करता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल वही हुआ कि जब आपके पास में वाटर का जो
वाटर का प्रेशर यदि हम रिड्यूस कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाता है और वाटर कम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाता है, यानी उसी टेम्परेचर पर ये हीट पिकअप करके आपके पास में दूसरा जो वाटर है नॉन इवेपोरेटिंग वाटर है उसको कूल कर देता है। तो इस तरह से ये जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो आपके पास में इजेक्टर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाता है। इसके साथ ही आपका धन्यवाद।